सबसे बड़ा ये बात है कि चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी, तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है पहले तो हम सोचते थे कि हाँ या ना, लेकिन जिस दावे के साथ वो कहते हैं उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। एक के बाद एक सारे हमारा प्रतिष्ठान तो कब्जे में कर ही रहे हैं। अंत में लगता है कि हमारे चुनाव भी और चुनाव का भी मजाक उड़ाया जाएगा ये हिंदुस्तान में। इसीलिए उसी का ही आगाज करते हुए मोदी जी कह रहे हैं कि चुनाव के पहले आम लोगों को अपना मत रखने के पहले देश की एक प्रधानमंत्री की इस तरीके की संख्या की बात कर दे 370 या 400 पार, तो इसमें लगता है कि आम लोगों की वोट देने की अधिकार बका ही सही तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे ये बड़ा शंका की पैदा हो रहा है मेरे मन में, क्योंकि कैसे ये बोल सकते। देखो कोई भी वोट हो, ये हमारा जेब की तो फिक्स डिपॉजिट नहीं है। आम लोगों की वोट किसी नेता की जेब में रखे हुए फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है, लेकिन वो कैसे कह सकते दबे के साथ और शंका भी बता सकते। इसका मतलब कि हेरा फेरी करने की सारे नापाक मनसूबे तय हो चुके हैं। राहुल जी के बारे में जो